लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन को लेकर नीति गाइडलाइन से क्रय विक्रय में तेजी आई है। दर और पंजीयन शुल्क में छूट मिली है। आरडीए की कवल विहार योजना निविदा के जरिए मकान बिके हैं। एक दिन में 52 करोड़ के 118 भूखंड बिके हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन को लेकर अब एक नीति तैयार की गई है, गाइडलाइन से क्रय विक्रय में तेजी आई है। आदित्य, इसके बारे में बताया कि किस तरीके से ये जो सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन चलाई जा रही है, इसका लाभ आखिर किस तरीके से मिलेगा और क्या है इस गाइडलाइन के अंतर्गत? देखिए, बाजार मूल्य से 30% की कमी और पंजीयन शुल्क में रियायत, ये बड़ा कारण है। दोनों ही कारणों के चलते लगातार जो भूखंड हैं उनकी बिक्री हो रही है। आरडीए देखिए पिछली सरकार की सबसे बड़ी फेलवर योजना मानी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछली सरकार ने किया, रमन सिंह सरकार ने, लेकिन आज भी वो मूर्त रूप नहीं ले पाई वो योजना। रायपुर विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म होता है आरडीए का। पिछली सरकार की मंशा थी कि एक बड़े डेवलपमेंट किया जाए, एक बड़े इलाके को उन्होंने चिन्हित किया, प्लॉट काटे, वहाँ पर कई लोगों की ज़मीन थी, खेती ज़मीन थी, उसको हटाकर उन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए उसे बनाई, उस लोगों की यूज़ के लिए बनाई, और आखिरकार इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी वो रिहायशी इलाका नहीं बन पाया। रेट कम किया गया, 30% कमी की गई, कहीं ना कहीं उसके कारण रिकॉर्ड जो है भूखंडों की बिक्री हो रही। देखिए, कोई भी इलाका या कोई भी जगह तभी आगे बढ़ सकती है तभी जब वहाँ पर रिहायशी लोग पहुँचे, जब वहाँ पर रिहायशी इलाका बढ़े, लोग वहाँ पर रहें, वहाँ पर कमर्शियल यूज़ हो सके। तो ये फिर धीरे धीरे सरकार, ये दोनों मंशाएँ सरकार की हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते भूखंडों का जो रेट किया कम किया जा रहा है, पंजीयन शुल्क कम किया जा रहा है, उसके चलते लगातार लोग रुचि दिखा रहे हैं। उम्मीद यही कि आने वाले समय में रायपुर विकास प्राधिकरण जो है जैसी सरकार की मंशा है उस प्रकार से बच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रायपुर में से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है वो किस तरीके से अब फायदेमंद साबित होगी।